हेलो वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपडेट क्वेरी का यूज करते हैं। तो यहां पे टेबल एम्प्लॉय टी दिख रही है, इसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और सैलरी है। तो चलिए सैलरी को अपडेट करते हैं, किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी को अपडेट करके देखते हैं कि किसकी सैलरी हम अपडेट करने वाले हैं। तो एम्प्लॉय आईडी दिख ही रहा है आपको, 101 से स्टार्ट है, राम नाम है 101 जो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी नंबर जिनका 101 है उनका नाम है राम। तो चलिए अपडेट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट पे चले जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद क्वेरी डिजाइन पे जाना है आपको, और इसको यहाँ से क्लोज कर देना और यहाँ से एसक्यूएल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अब लिखना है अपडेट, क्या लिखेंगे, अपडेट लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए अपडेट कुछ इस तरीके से, ये लिख दिया अपडेट। अब यहाँ पर आइए और फिर यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको देना है एम्प्लॉय टी, ठीक है। तो ये लिख दीजिए एम्प्लॉय टी, हो गया। तो एम्प्लॉय टी आपके टेबल का नाम है और फिर यहां पर आपको सेट करना है। तो यहां पर सेट कीवर्ड का भी यूज आपको करना होगा, तो ये लिखिए सेट। और किसको सेट करना है, तो हम यहां पर सैलरी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर लिख दिया मैंने सिंपली सैलरी, ठीक है। और सैलरी इज इक्वल टू कितना सेट करना चाहते हैं वो सारी चीजें आपको देनी होंगी। तो यहां पर सैलरी की जो बात है वो यहां पर मैं सेट करूंगा, लाइक 10,000 थी राम की सैलरी, तो यहां पर मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं, यहां पे कर देता हूं 20,000। कितना कर देता हूं, 20,000। ये देखिए ये 20,000 कर दिया हमने, और ये ध्यान रखिएगा कि ये 20,000 आपको सिंगल इंटेड कॉमा में लिखना है, डबल इंटेड कॉमा में नहीं लिखना है, सिंगल इंटेड कॉमा में यहाँ 20,000 लिख दीजिए कुछ इस तरीके से, सिंगल इंटेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए। और यहां पर अब एम्प्लॉय आईडी की बात कर लीजिएगा आप, कि एम्प्लॉय आईडी आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर बस एम्प्लॉय आईडी का आप जिक्र करना है हमको, तो यहां पे लिखता हूं मैं वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। क्योंकि यहां पर जैसे आपने एम्प्लॉय आईडी लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है, तो वैसे ही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी लिखा हमने और इज इक्वल टू 101 कर दिया। ये करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहां से डिजाइन पे जाना है और ये रन पे क्लिक कर दीजिए। तो रन पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ आ रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट वन रोज, तो यस कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। जैसे ही काम होगा तो अब आप इसको देख पाएंगे कि ये अपडेट हुआ या नहीं। तो यहां पर जैसे ही आएंगे तो ये जो 10,000 सैलरी दिख रही थी वो 20,000 में तब्दील हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपडेट क्वेरी का भी यूज कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।